हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी सांभर बनाएंगे। मैं डोसा चटनी और मसाले वाले आलू की रेसिपी पहले ही डाल दी हूँ, तो आज सांभर की रेसिपी देखते हैं। इसके लिए एक गिलास अरहर की दाल है, इसे तुअर की दाल भी कहते हैं, तो एक गिलास तुअर की दाल ले ली हूँ। इसे अच्छे से धो ली, देखिए इस तरह से अच्छे से धो दी हूँ। उसके बाद इसे एक कुकर में डालकर सभी को डाल देंगे और इसमें तीन गिलास पानी डालेंगे। एक गिलास तुअर की दाल में तीन गिलास पानी डालेंगे डालकर, और नमक और हल्दी डालकर इसे गैस पे चढ़ा देंगे। तीन गिलास पानी डाल दी हूँ, अब नमक डाल दें स्वाद के अनुसार, और एक चम्मच हल्दी डाल देंगे। छोटे चम्मच से एक चम्मच हल्दी डाल दी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन बंद करके इसे गैस पे चढ़ा देंगे। फिर इसे फुल फ्लेम पर एक सीटी, और उसके बाद लो फ्लेम पर एक सीटी आएगा, या फिर एक सीटी आने के बाद इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि दाल अच्छी तरह पक जाए। अब देखते हैं सब्जी और मसाले। मैं थोड़ी सी 5-6 बीज ले ली हूँ इमली के, इसे पानी में डालकर पहले ही फूलने के लिए रख देंगे। उसके बाद 3-4 टमाटर मीडियम साइज का है, आधी लौकी है, उसे अच्छे से छील ली हूँ, धो ली हूँ, काट ली हूँ, थोड़े से बीन, थोड़े से गाजर और 2 प्याज, एक गाजर ली हूँ, और थोड़े से मोटी वाली हरी मिर्च है और थोड़ी बारीक पतली वाली हरी मिर्च। तो सब्जियाँ आप अपनी पसंद से ले लें। देखिए दाल अच्छी तरह से उबल कर तैयार है, देखिए बहुत ही अच्छे से उबला है। तब इसे थोड़ा सा इस तरह से चलाकर हल्का मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद अब चलेंगे, अब इसका तड़का बनाते हैं सब्जियों के साथ। तो इसके लिए गैस ऑन कर ली हूँ और कढ़ाई चढ़ा दी। देखिए गैस ऑन है, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में एक चम्मच तेल डाल देंगे बड़े चम्मच से। तेल डालकर इसमें तेल को गर्म होने देंगे। उसके बाद एक चम्मच सरसों के दाने, ये पीला वाला सरसों है, आप चाहे तो ब्लैक वाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़े से करी पत्ता डाल देंगे और इसे हल्का तड़कने देंगे। तो सरसों के दाने और देखिए करी पत्ता तड़क गया, तो अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च डालकर इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद प्याज डाल देंगे, देखिए उसके बाद प्याज डाल दी हूँ। प्याज को डालकर अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। पहले प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे, उसके बाद सब्जियाँ डालेंगे। तो प्याज को डालकर अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, इसी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, तो अब इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। छोटे चम्मच से 1.5 चम्मच डालेंगे, तो 1 चम्मच डाल दी हूँ और आधी चम्मच और 1.5 चम्मच डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे 2-3 मिनट इसी तरह से मिक्स करते हुए लहसुन को भून लेंगे ताकि लहसुन का कच्चा फ्लेवर चला जाए। और उसके बाद आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भूनेंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए इसको अच्छे से भून लें 5 मिनट तक। उसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को पकने तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो नमक आप स्वाद के अनुसार डालें, मैं यहाँ 1 चम्मच नमक का यूज कर रही हूँ। तो नमक डालकर इसको इस तरह से चलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें और सब्जियां डालेंगे। देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो अब इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। लौकी, बीन, गाजर, सब्जियां आप अपनी पसंद की कोई भी ले लें। जो भी सब्जियाँ आपको पसंद है वो सब्जी इसमें आप डाल सकते हैं। तो इन तीनों सब्जियों को डाल दी हूँ, गाजर, बीन और लौकी। उसके बाद एक बैंगन ले ली हूँ, उसे काट कर डाल दी हूँ। बैंगन को मैं बाद में काटी हूँ वरना काले पड़ जाते इसलिए। तो इस तरह से बैंगन को छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दी हूँ।
उसके बाद डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि सब्जियां भी हमारी अच्छे से भून जाए। उसके बाद इसमें 2 चम्मच सांभर मसाला डालेंगे। ये मीडियम वाला चम्मच है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, उस चम्मच से 2 चम्मच भरकर सांभर मसाला डाल दी। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए इसे भून लेंगे। आधी चम्मच कलर वाली लाल मिर्च डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा सांभर में। कश्मीरी मिर्च डाल करके उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई। तो अब इसे हमने जो दाल बना कर रखा था उसी में डाल देंगे। तो सारी सब्जियों को दाल में डालकर उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके 1 व्हिसिल ले लेंगे। उसके बाद ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, इसलिए बस सभी को डालकर थोड़ा पानी डाल देंगे। 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दें। देखिए अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि सांभर थोड़ा पतला होता है इसलिए। तो इसमें 1/2 गिलास पानी और डाल देती हूँ, सब मिलाकर 1.5 गिलास पानी इसमें डाली हूँ। उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके 1 व्हिसिल ले लेंगे बस। उसके बाद 1 सीटी मार देगा, उसके बाद आप गैस बंद कर दें। देखिए 1 सीटी मार दिया, गैस बंद कर दी, प्रेशर निकल गया है। अब इसे खोलकर चेक करते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी, कितना सुंदर सांभर बनकर तैयार है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी सांभर बनकर तैयार है। इस तरीके से अगर आप सांभर बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे और इसमें इमली का, जो हमने इमली को पानी में भिगो कर रखी हूँ उसे डाल देंगे। इसका बीज निकाल लेंगे, इसका सब बीज निकाल दें और सिर्फ पानी को इसमें डाल देंगे। उसके बाद सांभर को एक बार और तड़का लगाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इमली का पानी हमेशा बाद में ही डालें। उसके बाद तड़का पैन चढ़ा दी हूँ, गैस ऑन कर ली हूँ। उसके बाद इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे, छोटे चम्मच से 1 चम्मच तेल डाल दी हूँ। उसके बाद 1/2 चम्मच सरसों के दाने और थोड़े से करी पत्ता डाल देंगे और इसे अच्छे से तड़कने देंगे। जब ये अच्छी तरह तड़क जाएगा उसके बाद इसको सांभर में डाल देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए अब तड़का अच्छे से तड़क गया है तो अब इसको सांभर में डाल देंगे। इस तरह से ढक्कन लगा देंगे ताकि उसका तड़का का जो फ्लेवर है वो सांभर में चला जाए। तो देखिए बहुत ही टेस्टी सांभर बना है। इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे आप चावल, डोसा, इडली, बड़ा किसी के साथ भी सर्व करें। बहुत ही टेस्टी सांभर की रेसिपी है, ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी करें। तो मैं इसे सांभर को डोसे और चटनी के साथ सर्व की हूँ।